मुख्तार अंसारी की पत्नी, बेटे और दो सालों को भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। मऊ एसपी ने मंगलवार को सभी को खुद कोर्ट में पेश होने या अरेस्ट होने की चेतावनी देते हुए वीडियो जारी किया है। ऐसा नहीं करने पर संपत्ति कुर्क करने की बात कही है। सभी के खिलाफ पहले से गैर जमानती वारंट जारी था। इसी को लेकर पुलिस धारा 82 यानी भगोड़ा घोषित करने की कार्रवाई करते हुए नोटिस चस्पा की है। मुख्तार अंसारी के फाटक कहे जाने वाले घर पर पुलिस ने डुगडुगी भी पिटवाई। पत्नी, बेटे और सालों के बारे में जानकारी देने की लोगों से अपील भी की। पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडे ने वीडियो जारी करते हुए कहा कि सभी को भगोड़ा घोषित किया गया है। इन्हें पुलिस के सामने पेश होकर गिरफ्तारी देने की हिदायत दी गई है। इसके साथ ही चेताया गया है कि अगर पेश नहीं होते हैं तो धारा 83 के तहत कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। बताया कि मऊ पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए गाजीपुर के पैतृक आवास के 4 ठिकानों पर छापेमारी भी की थी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि वर्ष 2020 में थाना दक्षिण टोला में धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट में मुख्तार अंसारी की पत्नी आसफा अंसारी, साले अतीफ उर्फ सरजील रजा, अनवर शहजाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।